आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो कैसा है? क्या बोलूं? तुमने कहा था कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। केमाल, एक शादीशुदा औरत के पास रहना अच्छी बात नहीं है। हमारा समाज भी इसकी इजाजत नहीं देता। आप सही हैं डैड, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। मैं क्या नहीं जानता? मैं वो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यकीन कीजिए डैड, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। मैं आपका बेटा हूं और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। केमाल, शादीशुदा औरत के साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसके बिल्कुल करीब नहीं हूं डैड। मैं अभी उसके करीब नहीं हूं, पर बहुत जल्द हो जाऊंगा। निहान डिवोर्स ले लेगी, वो अलग होने वाली है, फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। हमारा रिश्ता हम पूरी ईमानदारी से शुरू करेंगे। तुम्हारा मतलब तुम्हें अपनी माँ के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है? क्या हो गया है तुम्हें? देखिए मॉम, निहान वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोचते हैं। क्या सच में? क्या तुम भूल गए कि मेरे बेटे को दुख पहुंचाने वाली यही लड़की है? नहीं, वो नहीं है। उसने जानबूझकर नहीं किया। उसने ऐसा कहा कि उसने नहीं किया? तुम तो मुझे मत ही बताओ, मुझे दिख रहा है सब। मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि वो डिवोर्स ले रही है। हमारे प्यार के लिए वो ले रही है। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं। क्या उसने तुम्हें ये कहकर बेवकूफ बनाया है? अब उसने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ केमाल, तुम्हें बताए बिना उसने शादी क्यों की? वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, मजबूरी में उसने किया ये सब। उसके लिए वो शादी नहीं, एक कैद है बेटा, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बेटा, तुम ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। उसकी बातों में आकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, एक बार आंसू के बारे में भी सोचो। देखिए मॉम, निहान डिवोर्स ले रही है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा। आप अभी भी आंसू की रट लगा रही हैं। उससे शादी करके मैं खुश नहीं रहूंगा। आप चाहती हैं कि मैं शादी करके ना खुश रहूं? मेरा बेटा जानता है कि उसके लिए क्या सही है, लेकिन अगर उसे वो दिखाई नहीं देता तो वो मेरा बेटा नहीं। मेरा कोई बेटा नहीं। जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तब भी मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा मॉम। सिचुएशन क्या है ज़हीर? भाई, वो आदमी घर में घुसा और बाहर ही नहीं निकला। लगता है ये उसी का घर है। अपनी आंखें उस पर ही रखना, चाहो तो किसी आदमी को वहां पर खड़ा कर दो, बस उसे जाने मत देना। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओज़ान, ओज़ान, चलो दरवाजा खोलो। तुम बेफिजूल रिएक्ट कर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ओज़ान, तुम्हें हिम्मत मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए दिखानी होगी। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एमिर की कोई जरूरत नहीं है हमें। सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम चैन की सांस ले पाएंगे सच में। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही सच है? ओज़ान, प्लीज मान जाओ, मेरी बात सुनो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो?
उजान प्लीज, उजान प्लीज मुझसे बात करो, हमें बात करनी चाहिए। उजान और निहान अभी तक लौटे नहीं हैं। उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? लोग डिवोर्स ले सकते हैं, ये आम बात है। ज़ेनब, जाओ और निहान और उजान को देख कर आओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ये लड़के इम्पॉसिबल है। विल्डन प्लीज बैठ जाओ तुम। मैं नहीं बैठ सकती ऑन्डर, शांति से बैठ जाना इसका सोल्यूशन नहीं है ऑन्डर। विल्डन प्लीज एमिर को मत बुलाओ यहां पर। ठीक है मत खोलो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, समझे तुम? तो तुमने फैसला कर लिया है निहान, है ना? चाहे मेरी जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए, तुम आमिर को डिवोर्स दोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ? ऐसा लगता नहीं, तुम ऐसा कर रही हो। मेरी जिंदगी खतरे में है और तुम आमिर को डिवोर्स देने की बात कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा उजान। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं होगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता उजान। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम हो के तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करवाना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो तुम? तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि आमिर क्या कर सकता है। मैं नहीं भूलूंगी, आमिर कुछ नहीं भूल सकता, मैं जानती हूँ। तो तुमने पूरी तरह फैसला कर लिया है कि तुम मेरी कुर्बानी दोगी? तुम मेरे भाई नहीं हो, हम एक ही वक्त में पैदा हुए थे। तुम मेरा आधा हिस्सा हो। क्या तुमसे ज्यादा मेरे लिए कुछ मायने रखता भी है? ऐसा हो भी सकता है निहान, एग्जाम्पल के तौर पर केमान। उसके लिए तुम आमिर को ही नहीं बल्कि मुझे भी छोड़ रही हो। मैं बस आपको देखने आई थी। मैं निहान से बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि उसने फैसला क्यों लिया, ठीक है? आमिर गुस्से से पागल हो जाएगा, हमें पहले निहान से बात करनी होगी वरना बात बिगड़ जाएगी। मुझे भरोसा है कि वो किसी बात पर यकीन कर रही है और उसने फैसला लिया है। तुम्हारा मतलब है कि वो सिर्फ केमाल के बारे में नहीं सोच रही है? मैं वो सब नहीं जानता हूँ, लेकिन निहान उसके लिए अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालेगी। ठीक है, तुम बात कर लो, तुम उसके फैसले के बारे में जानने की कोशिश करो, यही बेहतर होगा। इससे मेरे फैसले का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे फैसले से क्या लेना देना है ऑन्जर? हमने इस बारे में बात ही नहीं की है। फिलहाल इस वक्त हमारे बच्चे ज्यादा जरूरी है विल्डन, इसे पहले संभाल लेते हैं, हम हमारी बात बाद में कर लेंगे, ठीक है? मैं सोच रही थी तुम डिवोर्स की बात अब नहीं करोगे। ऐसा समझ लो कि जब तक निहान और रोजान ठीक नहीं होते मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? कहीं नहीं जा रहा हूं। हेलो मिस्टर जिया। गुड इवनिंग मिस लैला। टेंडर के दौरान इरेगुलैरिटीज पाई गई हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने 10 मिनट पहले शुरू कर दिया था। ओ, वो कैसे किया होगा? पैसे खिलाकर? क्योंकि ये मुझे कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा है मैडम। आपको क्या लगता है मैम? मुझे भी ऐसा लगता है मिस्टर जिया। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? क्या ये टेंडर वैलिड है? हमें इसे रिपीट करना चाहिए। हम टेंडर फॉर्म का एप्लीकेशन कल ऑफिस में टाइम पर दे देंगे। और अटेंडर का क्या, क्या वो भी सेम होंगे? जब हम एप्लीकेशन देंगे तो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अगर वो चाहें तो वो भी आ सकते हैं। मतलब वो आएंगे।
क्या हम मिल सकते हैं? खुशी होगी। स्वीट हार्ट, मैं जानती हूं कि तुम इस बात से घबरा गए थे, लेकिन नेहान ने आखिर ऐसा क्यों किया? नेहान ने अब क्या किया? वो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती, इसमें क्या गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, इससे पूरे परिवार को फर्क पड़ता है। मुझे लगता है उन्हें ये फैसला परिवार से पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए था, उन्हें ये केस ओपन नहीं करना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहती हो जैनब? तुम उनके भाई हो, वो जानती है कि इससे तुम्हें कितना फर्क पड़ेगा। देखो, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। इस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है। हाँ डियर, थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ठीक है, तब तक तुम आराम कर लो। ठीक है। मेरी बीवी कहाँ जा रही है? अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुम अब भी मेरी बीवी हो, और ये घर मेरा है, और मेरी बीवी ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था मैं उस अंगूठी के बिना इस घर में कदम नहीं रख सकती हूँ। अंगूठी तो गई, और माफ कर देना, मैं फिलहाल इस घर में तो नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाना होगा। क्या हम बात कर सकते हैं डियर? मिसेस विल्डन, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भी थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे शॉक लगा है। मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। किस बारे में? तुम्हारे और निहान के डिवोर्स के बारे में एमिर। इसका मतलब आप जो हो रहा है वो सब जानती हैं। उसने कहा वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, तुम ऐसा नहीं होने दोगे ना? आप जानती हैं कि आपकी बेटी बहुत जिद्दी है, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि मैं भी जिद्दी हूँ, राइट? मैं तुम्हें जानती हूँ एमिर, तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगे। चिंता मत कीजिए मिसेस विल्टन। वैसे एक बात बताइए, मुझे बस जानना है कि क्या आप ये सब अपने बेटे के लिए कर रही हैं या अपनी बेटी के लिए? मैंने सोचा यूं ही पूछ लो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अमीर। मैं सोचती हूँ तुम दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। मुझे लगा ही आप यही सोचेंगे। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। गुड नाइट डियर। लगता है दरवाजे पर लॉक लगाने का वक्त आ गया है। मैं कर भी क्या सकती हूँ, इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं आज रात हाइड एंड सीक नहीं खेल सकता जैनब, चली जाओ यहाँ से। ये रात सबसे अलग है, तुम अकेले हो जाओगे। नेहान तुम्हें डिवोर्स दे देगी,
और तुम परेशान हो, तुम्हें परेशान होने का राइट भी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत ही जल्दी तुम सपने देखना शुरू कर देती हो। हाँ, काश ऐसा करती, लेकिन उसका भी सही वक्त आएगा, पर अभी मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो हैरान हूँ, तुम्हारे वादे का क्या हुआ ज़ैनब? तुमने कहा कि तुम इस शादी को ख़त्म कर दोगी। देखो, निहान खुद ही तुम्हें खुशी दे रही है, लेकिन मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा और वो मुझे तुम्हारे लिए छोड़कर नहीं जाएगी। बेवजह उम्मीद मत बांधना। निहान और तुम्हारा भाई अगर एक साथ हो गए तो तुम्हारा प्यार खूनी बन जाएगा। अरे ऐसा मत कहो आंसू, तुम जानती हो ये सच है। आमिर का साथ चाहती हो तो मुश्किलें आएंगी। निहान को इस घर का कैदी बनकर रहना होगा, वरना हम हार जाएंगे। सैनिक, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगे, तो मेरे खुश होने की कोई बात ही नहीं है। तो क्या तुमने सब कुछ सुन लिया ज़ैनब? तो क्या आप ये आपके बेटे के लिए कर रही हैं या आपकी बेटी के लिए? क्या सच में मेरे सुनने लायक कुछ था? अपने पति के पास जाओ ज़ैनब। तुम ये अंगूठी जरूर पहनोगे निहान। वो अंगूठी हमारे क्राइंग वॉल पर अच्छी नहीं लग रही थी। निहान, तुम देखना, अब ये क्राइंग वॉल नहीं रहेगी। मैं अब ये बिलीव करना चाहती हूँ कि अब हम नहीं रोएंगे। तो कर लो, हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा। किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो? केमाल, किसी को ये यकीन नहीं है कि हम खुश रह सकते हैं। मुझे कुछ कुछ पहले जैसा लग रहा है ये सब। हम बहुत सालों पहले भी खुश नहीं रह पाए थे। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त हम उनके खिलाफ नहीं जा सके, लेकिन उनकी सोच ने हमें अलग नहीं किया निहान। हाँ, हम उस रात को मेरे भाई की वजह से अलग हो गए थे। नहीं, आमिर ने हमें अलग किया है। जल्दी सब खत्म हो जाएगा, ये आमिर का गेम। आमिर भी खत्म हो जाएगा और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और हमारी फैमिली का क्या? वो भी सब समझ जाएंगे, मंजूर कर लेंगे हमें। और वो समझ नहीं पाए तो? उन्होंने मंजूर नहीं किया तो? तो हमें उस पल के लिए तैयार रहना होगा। हमें सबके खिलाफ जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। ये सब कितना अजीब है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं बदला, जैसे वो 5 साल गुजरे ही नहीं है। बीते हुए पल को वापस लाना चाहोगी? वो कैसे? तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। सब कुछ और सबको छोड़कर मेरे साथ कहीं भी चलोगी? मैं तो चलने को तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, सब कुछ और सबको छोड़कर। किसी ऐसे देश में जहाँ तुम किसी को नहीं जानती, ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा ना परिवार होगा, तुम बोर हो जाओगी वहाँ पर। ऐसा क्यों? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और किसी को नहीं चाहती, सच में। सच कहो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सच में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
देखो हम बिल्कुल पुराने केमाल और निहान जैसे ही तो हैं। बहुत अलग है। अब हमें एक दूसरे को खोने का दर्द पता है। मैंने उस रात तुम्हें खो दिया था। मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, सच में केमाल, मेरा यकीन करो। मुझे सच पता होता तो मैं भी कभी नहीं छोड़ता। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम दोबारा मिले। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कभी जाने मत देना प्लीज। ये लो हम पहुंच गए, चलो गुड नाइट। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, पर अभी हम जा रहे हैं दोबारा मिलने के लिए। और जाने से पहले मेरे साथ 2 मिनट और साथ रह लो ना प्लीज। अब क्या बोलूं? अरे कम से कम मुझे दरवाजे तक तो छोड़ने आ ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। हाँ आ जाओ ना। तो चलो। ये रहा। तुम इतनी जल्दी मुझे जाने देना चाहते हो? तो तुम चाहती क्या वहां? अगर तुमने ऐसे जताया होता कि तुमने देखा ही नहीं तो तुम्हें 3 मौके मिलते। हम दोनों बहुत जल्द साथ में रहेंगे, हर दिन हर रात हर पल हमेशा के लिए। जब भी मैं तुम्हें मिस करती हूं मन करता है तुम्हें टच कर लूं। निहान तुम अब जाओ, जाओ थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, और तुम भी जाओ। तुम पहले जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मत जाओ। मत करो निहान, मत करो। तुम सही कर रहे हो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। निहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी। ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे। आई नो। अब तुम जाओ। आ रही हूँ।
आ रही हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ चाय पीने तो नहीं आई हूँ, कुछ बात करने आई हूँ मैं। ज़ैनब को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, ज़ैनब तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये निहान और केमाल के बारे में है। ठीक है, अंदर आओ। रुको, ये पहन लो, मैंने अभी सफाई की है। हुसैन, क्या तुम लंच करने जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं हूँ, तुम आ जाओ। आता हूँ। ठीक है, चलो। क्या आप मेरा घर खरीदने आई हैं मिसेज विल्डान? बोलिए जो कहना था। मैंने इस घर में आने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं यहाँ आती भी नहीं। लेकिन अब आ गई हैं। आपने मुझे एक बार तो निकाला था और मेरी बेटी के लिए तो यहाँ आई नहीं हैं आप। अब बताइए जिस काम से आई हैं। मेहरबानी होगी। मुझे आपकी बेटी नहीं चाहिए थी। आप अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। चलिए। मुझे बाहर निकालने से पहले एक बार सोचिए। मेरे पास आपके बेटे और मेरी बेटी को अलग करने का रास्ता हो सकता है। क्या पता तुम क्या ऑफर करोगी? सिर्फ कोऑपरेशन। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें कैसे मदद कर सकती हूँ। मिसेस फहीम, क्या आप देख सकती हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी को छोड़ता ही नहीं? आपकी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, वो नहीं दिखता आपको? मेरे बेटे को छोड़ती ही नहीं वो। हम इस बात पर बहस कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। हम दोनों का एक ही मकसद है और आप भी ये मान लीजिए। अब मेरी बात गौर से सुनिए। सिर्फ हम ही हैं जो हमारे बच्चों को अलग कर सकते हैं। आखिर हम उनकी माँ हैं। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू कर दूंगी और बाकी के प्रोसेस भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, ठीक है? जल्दी कब मतलब? जल्दी से शादी के बारे में सोचिए मिसेस नेहान, हम आपका डिवोर्स स्पीड में कराएंगे। हम तो इमिर को शॉक कर देंगे केमाल, है ना? मैं बस यही चाहता हूँ कि ये सब कुछ अच्छे से हो जाए। मदद के लिए आपका थैंक यू। मैंने अभी कुछ किया कहाँ है? बहुत ही जल्दी करेंगे, अभी तो हमें एमिर को शॉक देना है। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो। हाँ बोलो। लॉयर से बात करवाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रद्द हो गया मतलब क्या? तुम्हारा मतलब है कि मैंने इतने पैसे बेफिजूल दिए? अगर ये लैला ने किया है ना तो नहीं नहीं नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। आपने अपनी जगह चुन ही ली मिसेस लैला। आपने मेरा दोस्त बनने की बजाय मेरी दुश्मन बनना चुना है। मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरे दुश्मन हैं, पर आपने कैसे सोच लिया कि हम दोस्त बन सकते हैं? मेरा मतलब ये है कि मुझे तो लग रहा था कि आप कोई सही फैसला लेंगी। हाँ, आप गलत हैं। अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे अभी एक फोन कॉल आया। मुझे यकीन है कि आपने क्या किया है और उस बारे में मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी करूँगा। बस सोच ये रहा था कि मैं थोड़ा आपसे भी पूछ लूँ, ठीक है? आप टेंडर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, मेरे पास हक है और कानून भी। देखना, मैं अपना घर आपसे हर हाल में वापस लेकर रहूंगी। लेकिन आपके पास कई सारे मौके थे, फिर भी आपने ये रास्ता चुना। आपने ऐसा रास्ता चुना जिसमें दोस्तों को आपने दुश्मन बनाना ठीक समझा। मुझे लगा कि मुझे हिसाब चुकता करना चाहिए। आपने जंग का मैदान चुना है मिसेस लैला, आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल,
तो हम मैदान में मिलते हैं। आप संभल कर रहना, मैं लाल कपड़े पहनूंगी। एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ले आओ वरना दफा हो जा। ठीक है सर, लेकिन आपके लिए कोई ये देकर गया है। ये जो भी है मुझे नींद से उठाने के लिए काफी होना चाहिए। लगता है ये टेस्ट रिजल्ट्स है, लेकिन मैं नहीं जानती। कॉफी मत ले आओ, चलेगा। तूफान मेरा भाई नहीं है। तूफान को जाने दो। अगर वो मेरा भाई नहीं है तो भाई कौन है? मिस्टर कैमाल, मिस्टर तूफान, क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। यह सब किसने किया? एमिर कोसगलो। शायद मैं जानता हूं क्यों। आखिर हुआ क्या? हाँ, क्योंकि आपने आपने उनका सारा ध्यान मेरे खिलाफ कर दिया है। मिस्टर, मेरे को लगता है कि मैं ब्लैकमेलर हूं और मैं उनका भाई भी हूं, ऐसे उनको लगता है। तुम नहीं हो क्या? मैं नहीं हूं। तुम उसके भाई नहीं हो या ब्लैकमेलर नहीं हो? मुझे पता है तुम उसके भाई नहीं हो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि तुम ब्लैकमेलर नहीं हो। मेरा पीछा मत कीजिए, आप समझे? ये क्या है? ये एड्रेस है, आपके लिए वहां कुछ इंतजार कर रहा है, जाइए और देख लीजिए। और कोई सवाल मत पूछना, मैं मिस्टर एमिर की नफरत नहीं चाहता, वरना मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचता, समझे आप? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? भरोसा मत कीजिए मुझ पर, और आपको भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आपको सच्चाई का पता चले। निहान, क्या तुम होटल में हो? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं।
तुम्हें 5 गुना पैसे दिए काफी नहीं है क्या? काफी है। तुम अभी ऑफिस में ही हो ना? हाँ। ठीक है, अब दरवाजा नॉक होने का इंतजार करो। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। अमीर का भाई भी यहाँ आया है? पता चल जाएगा हमें। यहाँ कोई नहीं है। हाँ सही कह रही हो। चाहिए ना कि मैं शायद वो यही चाहता था कि हम यहां आए। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या ढूंढना चाहिए? तुम्हारे लिए कुछ इंतजार कर रहा है, कुछ मेरे लिए इंतजार कर रहा है। लगता है हमने ढूंढ लिया। खोलो इसे। मिस्टर केमाल, मैं जानता हूं आप मुझे ढूंढ रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आप मुझे ढूंढने ही वाले हैं। लेकिन आपको कुछ जानना जरूरी है। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए खुलेंगे। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अमीर को जानता हूं पर वो मुझे नहीं जानता। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो मुझे पहचान ले। अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो मैं ये भी जानता हूं कि वो मेरे साथ क्या करेगा। चाहिए मिस्टर केमाल, क्योंकि मैं सचमुच मरना नहीं चाहती। मैंने कुछ ऐसा लिखा था, क्या आप मुझे सुन सकती हैं मां? लेकिन अहमेर,
मैं चाहती हूँ एमिर अपनी जिंदगी की भीख मांगे, लेकिन उसे सबसे पहले निहान को रोकना होगा। मैं उससे उसकी सबसे जरूरी चीज छीनना चाहती हूँ। मैं निहान को खत्म कर सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो मैं केमाल को खो दूंगी। केमाल को। इसलिए निहान को बचाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं तुम इस बार केमाल के पास मैं जीत गई बोलकर जाती हो। ये जो कोई भी है उसे पता है केमाल, वो जानता है कि तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पर ढूंढ नहीं पा रहा। क्या एमिर के भाई को क्यों नहीं ढूंढना चाहते हो बताओ? क्या उसे उस रात के बारे में सब कुछ पता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या लिखा? वो चाहता नहीं कोई उसे ढूंढे, क्योंकि वो एमिर से डरता है। वो सही है, क्योंकि एमिर उसे ढूंढ के मार देगा। लेकिन एमिर उसे नहीं ढूंढेगा, तुम ढूंढोगे। हाँ, मैं ही उसे ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे उस शख्स को बर्बाद करना है। मैं उसके साथ वही करना चाहता हूं जो उसने हमारे साथ किया, पर मैं कर नहीं पा रहा। क्योंकि तुम उसे खुद ही एमिर को दे दोगे, है कि नहीं? मैं एमिर को दर्द देना चाहता हूं, नुकसान पहुंचाना चाहता हूं उसे, पर मैंने नहीं सोचा कि उसके भाई पर क्या बीतेगी। मुझे यह सोचना चाहिए था। तुम बहुत क्लोज थे उसके, अब मैं दूर हो जाऊंगा। मैं उसकी सजा उस मासूम को नहीं दूंगा, यह बहुत ही गलत बात हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। चलो अब चलते हैं।
किसे फोन कर रहे हो? जहीर। आदमी को घर के सामने से हटा दो, हम ब्लैकमेलर को अब से नहीं ढूंढेंगे। पूछेंगे क्यों है ना माँ, एक बहन अपने ही भाई की दुश्मन कैसे हो सकती है? मेरे दुश्मन तो मेरे पापा हैं, गालिब कोस्टोलो, ये सब उन्होंने ही शुरू किया है। ये कौन है बताओगी? मैंने क्या पूछा तुमसे? ये कौन है बताओ? गालिब कोस्टोलो। यानी? ये हमारा दुश्मन है, इसने मेरी माँ को हमसे अलग कर दिया अंकल, वो मुझे मारना चाहते हैं और आप बचाना। और ये कौन है? मेरा भाई एमिर। ये है गालिब का सबसे फेवरेट, उसका बेटा। अपने पापा की तरह ही वो भी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, समझी? क्या तुम ये भूल गई? नहीं। इन्हीं वजहों से तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उन्हें डर था कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मुझे उनके हवाले नहीं करेंगे ना? कभी भी नहीं। काश कि आप मेरे पापा होते। अगर आप किसी को चाहते हैं तो रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा अंकल या पापा कुछ भी बन सकता हूँ। तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर विश्वास था और तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें ऐसे ही याद रखूंगा। लेकिन भूलना मत, गालिब और एमिर दोनों हमारे दुश्मन हैं और एक दिन हमें उनसे बदला लेना है। हम उनसे एक एक जुल्म का बदला लेंगे। क्या तुम बदला लेने के लिए तैयार हो आंसू? जो अपना बीता कल भूल जाता है वो कभी बदला नहीं ले पाता। मैं आपका और अंकल हक्की का बदला लेकर रहूंगी। अपने पापा मिस्टर गालिब को बर्बाद करके रहूंगी। एमिर मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन गालिब की वजह से बदला जरूर लूंगी। उसने मुझे मेरी माँ से दूर रखा, मैं उसे अपने बेटे से दूर रखूंगी। वो अपने बेटे को तड़पते हुए देखेगा। अंकल, मुझे लगा हमारे लेसन सालों पहले खत्म हो गए। इसे खोलो। ये सही मौका है बदला लेने का। इस्तांबुल में मेरा एक कॉन्टैक्ट है जो एमिर के साथ है, तूफान। उसने आज मुझे एक जरूरी जानकारी दी है। जिस मौके का हम सालों से इंतजार कर रहे थे, गालिब को पूरी तरह से बर्बाद करने का और एमिर को उससे छीन लेने का यही मौका है। गालिब ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया माँ, किसी का मुंह नहीं खुलने दिया। आप अपनी बेटी के पास भी लौट कर नहीं आ पाई। उन्होंने आपको मुझसे छीन लिया और मुझे आपसे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मंजूर नहीं किया। मैं उनकी सारी ताकत खत्म कर दूंगी और अब एमिर मेरे हाथों की कठपुतली होगा।
अब मैं अपनी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन गालिब मेरी नफरत जरूर देखेगा। अपनी आजादी को तुम थोड़े दिन और एंजॉय कर लो निहान। हाँ बोलो। मिस्टर एमिर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपके खिलाफ एक केस हुआ है। अननोन इन्फॉर्मेशन है, मगर नोटिस नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता था। कैसा केस? मिसेज निहान ने आपके खिलाफ डिवोर्स केस किया है। इतनी जल्दी केस भी कर दिया? बस एक बार नोटिस आ जाए, आपको जवाब देने का हक जरूर मिलेगा। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मिसेस निहान कल खुद अपना केस विड्रॉ कर देंगी। शायद तूफान ने वो लेटर लिखा और वहां रख दिया था। उसी ने तुम्हें वहां नहीं भेजा था? जो ब्लैकमेलर है वो एमिर का भाई है, और तूफान एमिर का भाई नहीं है। तूफान ये नहीं कर सकता। तो हम पहुंच गए। फिर से बिछड़ने का वक्त आ गया। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, प्लीज तुम अब नाराज मत हो। कितने दिन बचे हैं? और बहुत ही कम। गुड नाइट। गुड नाइट। लेटर ले लिया है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई। अब तो आप मेरा पीछा नहीं करोगे ना? नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जल्दी ही मैं तुम्हें एक मैसेज भेजूंगा। मुझे जो मैसेज मिला है मैं वो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। गुड नाइट मिस्टर केमाल। गुड नाइट तूफान। बोलो। मैसेज दिया। केमाल सोडर को वो मैसेज मिल गया है। अब वो मिसेज आसो को ढूंढना बंद कर देंगे। मैं ADA सिनेमास के बाहर ठीक 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें पता चले कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती तो वहां आ जाना। मुझे तुमसे निहान के बारे में बात करनी है, सिर्फ हम दोनों।
मैं तुम्हें लोकेशन भेजूंगा ठीक 9 बजे। देखते हैं दोनों में से मुझसे मिलने कौन आता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ माँ। पता नहीं घर के लोग कब आएंगे। वो लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। चिंता मत करो कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था तो वैसे केमाल का फोन आया था उसने कहा कि वो गिव अप कर रहा है। क्या तुमने ये बात अंकल से कही? मुझे लगता है कि तुम केमाल पर भरोसा करती रहती हो और तुम और तुम्हारे अंकल को वो ढूंढने ही वाला था। वो तुम्हें पार्किंग लॉट में देखने ही वाला था। फॉलो किया जा रहा है बेवकूफ। पीछे मत देखना। केमाल के लिए तुम्हारी कमजोरी तुम्हें गुमराह कर रही है। नहीं। क्यों नहीं? तुमने अपनी शांति शुरू में ही खो दी थी। तुम्हारे अंकल के पास यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि केमाल निहान को प्यार करता है तो तुम यहाँ पर आ गई। तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनकर चलती हूँ। आंसू तुम यहां कब आई? आंसू तुमने मुझे कहा था कि तुम प्यार और नफरत में कंफ्यूज नहीं करोगी। मैं कंफ्यूज नहीं क्योंकि तुम्हें लगा कि केमाल और निहान के बीच में कुछ है। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी केमाल से करवाएंगे। तुमने निहान की मदद की ताकि एमिर को नुकसान पहुंच सके और इसलिए हमने निहान को भी क्लोज दिए और फिर बाद में उसने वो सब फॉलो किया। तुम तो ये सारी बातें जानते ही हो कि हमने क्या किया। फिर हमने केमाल को वॉइस रिकॉर्ड भेजा ताकि अमीर को कुछ शक ना हो और मुझे पता है कि केमाल ने वो सारी चीजें चेक की। तुम्हारी पत्नी यहाँ है और किसी के साथ है। केमाल तुम्हारे अंकल का प्लान कामयाब रहा। अमीर बिखर चुका था। निहान उसे छोड़कर चली गई लेकिन उस दौरान केमाल तुमसे दूर हो गया और फिर तुम्हें पता चला कि केमाल और निहान एक साथ में हैं। बस करो, चुप हो जाओ। केमाल की जान को खतरा है। अगर निहान चली गई तो अमीर उसे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा आंसू। उसने पहले भी हमला किया था। हम उसे कैसे बचाएंगे? अमीर ने केमाल की बहन तक का फायदा उठाया। हम तो उसे भी नहीं रोक पाए। पहले तुम शांत हो जाओ। मैंने आपसे कहा था अंकल, मैंने आपसे कहा था कि अमीर और निहान का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने उन्हें यकीन दिला दिया कि वो जान खूनी नहीं है। मैंने वो सब किया जो इतने सालों में आप मुझसे करवाना चाहते थे। लेकिन मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए थी कि जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मुझसे मत छीनिए। और मैंने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा किया अंकल, आपने उसे निहान की ओर भेज दिया। आपका बदला मुझसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें अलग कीजिए, इस खेल को खत्म कीजिए। अगर हम अमीर को खत्म करना चाहते हैं। अगर मैंने केमाल को खो दिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है अंकल। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं तो इस खेल को खत्म कीजिए।
और अगर आप नहीं करते तो इसे मैं करूंगी। चलो अब यहां से चलते हैं। मुझे नहीं लगता मैं बदला ले पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा बदला नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपनी माँ से दूर नहीं रखा गया। कम से कम तुमने अपनी माँ को तो देख लिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है, और उसके लिए मिस्टर हक्की ने मेरी मदद की, इसलिए मैं हमेशा उनके लिए वफादार रहा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर मर भी गया तभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आंसू। तो क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? अब मैं बहुत थक गई हूं। तो अब यहां पर क्या है? क्या है मिस्टर केमाल? हाँ, क्या आपको मिस्टर एमिर के साथ मिलना है? आइए मेरे साथ चलिए। वहां बैठ जाइए। निहान? केमाल? केमाल, तुम यहां क्या कर रहे हो? एमिर, उसने क्या कहा तुमसे? यही कहा कि मैं उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती। मुझे लगा नहीं आना ठीक नहीं होगा। उसने तुमसे क्या कहा? अकेले मिलने का, तुम्हारे बिना सिर्फ मैं और वो। हाँ, और तुम उसे हराने के लिए चले आए, वो भी अकेले। क्या तुम्हें डर नहीं लगा तुम यहां पर अकेले क्यों आई? जो फिल्म आप देखने वाले हैं वो रियल लाइफ है, सिर्फ 18 साल की उम्र के ऊपर वालों के लिए। केमाल, देखो ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। समझ नहीं आ रहा है, हमने ब्लड बैग्स देखी थी ना? अब ये उनके लिए जिन्हें कहानी में ट्विस्ट पसंद है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। सरप्राइज देना हमारा काम है। मुझे यकीन नहीं होता कि बात। नहीं नहीं, ये बस एक गेम था, है ना? तुम शांत हो जाओ। मैं इन्हीं सरप्राइज मोमेंट्स के लिए तो जीता हूं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम इतनी सरप्राइज कैसे हो सकती हो। मैंने तो तुम्हें सब बता दिया था, मैंने कहा था तुम्हारा भाई खूनी है, तो तुम इतना क्यों चौंक गई निहान? एमिर, तुम कितने बेशरम आदमी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बीवी की मदद की, या इसलिए क्योंकि अपनी बीवी को वो सच्चाई बताई जो वो मानने को तैयार नहीं थी? कैसी सच्चाई है? मैं कौन सी सच्चाई? वो तुम्हारा खेल था, हमने देखा है। तुमने उस लड़की पर ब्लड बैग्स लगाए थे, उसे ओजान के कमरे में भेज दिया था तुमने। लेकिन तुमने जो देखा वो तुमने समझा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को वो समझा सकता हूँ। जैसा कि तुमने साफ साफ उस वीडियो में देखा, लिंडा की ब्लड बैग एक्सप्लोड नहीं हुई, वो खून लिंडा का ही था।
गोली सीने पर ही लगी थी। मैं ओजान की दाद देता हूँ, कमाल का निशाना लगाया उसने। इतना अच्छा निशाना तो शायद मैं भी नहीं लगा सकता। तुम ये सब क्यों कह रहे हो एमिर? ताकि तुम्हें अपनी लिमिट्स का पता हो डाले। मैं नहीं चाहता कि तुम बेफिजूल की उम्मीद लगाओ। अब तुम्हारा हाथ दो और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो चलो ये फिल्म दोबारा देखते हैं, मजा आएगा। रुक जाओ! तुम किस तरह के आदमी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि निहान कितनी परेशान है। क्या मुझे जेंटलमैन बनना तुमसे सीखना होगा? मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम किसी और का। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से जेंटलमैन कौन है? तुम एक औरत को मजबूर कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती है, इसलिए उसे तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ, मुझे सारे हक हैं जो मुझे कानून से मिला है, और वो हक तुम्हारे पास नहीं है। समझते क्या हो तुम खुद को? मार दूंगा मैं तुम्हें। किमा, छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम मेरे हाथों मरोगे। किमाल ऐसा मत करो। पहली बात, निहान मेरी बीवी है और तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं उसे जाने भी दूं फिर भी उसका कल उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। और तीसरी बात, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मिस्टर केमाल, हम पार्टनर्स हैं और कल सुबह हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और निहान, तुम मेरी बात सुनो, या तो तुम मेरा हाथ पकड़ोगी और हम यहाँ से घर जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा होगा, तुम मेरी बीवी रहोगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। नहीं तो ये फिल्म मैं पुलिस के पास लेकर जाऊंगा और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है निहान। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। निहान, मुझे ऐसा करना होगा। लेकिन तुम्हारा हाथ थामने से बेहतर है मैं मर जाऊं। अपने आप पर इतना दबाव मत डालो मिस्टर केमाल। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, और आपने तो सुना ही होगा कि दूर से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है। हाथ मत लगाओ। तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, चलो घर चलते हैं। तुम एक जानवर हो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस सच्चाई बताई है तुम्हें। ये बताओ तुम्हें वो वीडियो कहां से मिला? उससे क्या फर्क पड़ता है? सच ये है कि ओजान सच में एक मर्डरर है कि नहीं? ओह गॉड, ओह गॉश। शुरुआत से बस एक ही सच्चाई है, वो ये कि ओजान मर्डरर है। लेकिन तुम्हें झूठ पर विश्वास करना था। तुम्हें यह मानना था कि तुम्हारा भाई मासूम है ताकि तुम केमाल के साथ जा सको। तुम एक झूठ को सच मानकर चल रही थी, और मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। मैं भूल गई थी मैं किससे डील कर रही हूं, है ना? क्योंकि तुम तो द मिस्टर एमिर हो, और एमिर की पत्नी को उम्मीद रखने का हक नहीं है, है कि नहीं?
मिसेस मुजगान। कामिल जी, कामिल जी, कामिल जी, हेलो मिस्टर गालिब। हाँ मैं सुन रहा हूँ। क्या ये कैसे हुआ? हाँ बोलिए। क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ के घर क्या हुआ है? क्यों क्या हुआ? उसके नौकरों को बेहोश कर दिया गया और वो तुम्हारी माँ के साथ था उस वक्त। वैसे ये हुआ कब पापा? मैं आ रहा हूँ। तुमने तूफान को कब छोड़ा? मुझे सरप्राइज नहीं हुआ कि इसमें तुम्हारा हाथ नहीं। अभी देखता हूं। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है निहान। जरूरी है। हाँ बोलिए मॉम। जल्दी से घर आओ बेटा, मैंने तुम्हारे भाई को भी बुलाया है। क्या हो गया? घर पर बात करेंगे। अगर मैं पता ना लगाती तो तुम तो बताते ही ना। हुसैन, क्या मुझे ये गांव वालों से पता चलता? हाँ, तुम ये मुझसे कैसे छिपा सकते हो? मुझे बताओ इसके बारे में। हुसैन, मुझे बताओ इसके बारे में। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था फेमे। ये अच्छी बात है, मत बताओ मुझे। ओ ऊपर वाले, कैसे दिन दिखा रहा है तू। हम बहुत हंस रहे थे, मैंने कहा तो भी तुम नहीं समझोगे। तुम यहां क्या कर रही हो निहान? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं नीचे जाती हूँ। तो क्या तुम सामान पैक करने आई हो? नहीं, मैं घर लौट आई हूँ। हेलो आसू, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, निहान लौट आई है। तुम तो डिवोर्स देने वाली थी। ये नहीं पूछोगे ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे क्यों कुछ पूछूं जब तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो। ऐसा मत बोलो ओजान, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आई हूँ। क्यों, अचानक अपने भाई की याद आ गई? मैं मेरे भाई को देखने आई हूं। तुम्हारा भाई यही है, बस वो तुम्हें दिखता नहीं। निहान,
आई एम सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। मेरा भाई मेरे दिल में है, यहां मैंने उसे यहां छुपा कर रखा है, वो मासूम है। लेकिन आज, लेकिन आज क्या निहान? मैंने अपने भाई को खो दिया जिसने मुझे यहां छुपाया था और मुझे दूसरी बार बचाया था। बस तुम ही उस औजान को लौटा सकते हो मुझे, बस तुम ही हो जो उसे यहां रहने की वजह दे रही हो। लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी। निहान, उसने कहा था कि वो डिवोर्स लेने वाली है, वो बहुत श्योर थी। जरूर एमिर ने ही कुछ गलत किया होगा। वो घर वापस आ गई है, यही काफी है। वो जो भी करना चाहती थी वो बेवकूफी थी। अब मैं जिम जा रही हूं। मिसेस फहीम, हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, निहान घर लौट आई है। ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? वो जब चाहे अपने घर आ जा सकती है। निहान घर लौट आई है, इसका मतलब ये है कि अब वो डिवोर्स नहीं चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ गई, शुक्रिया। अब कुछ दोबारा हो तो कॉल करना। ठीक है, मैं फोन करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें मिसेस फहीम। जरूर जरूर, आप चिंता मत कीजिए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे एक बात बताओ, आखिर ये किस बारे में है और मुझे मेरे किस बेटे का ख्याल रखना चाहिए? पापा, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं कहा ये हमसे? जब आपने दुकान को उस हालत में देखा तभी आपने फोन करना चाहिए था। अगर मुझे पता ना चलता तो ये तो दिखाते ही ना। मुझे पता है कि ये काम किसने किया है। ऐसे काम एमिर ही कर सकता है। मिस्टर एमिर ने किया? तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर एमिर कौन है? वो पापा की दुकान पर हमला क्यों करेंगे? हाँ, पता है सही सवाल क्या है कि एमिर क्या सोचता है? देखिए डैड, हमारे परिवार के कितने दुश्मन है बताइए। एमिर ने ही किया है, ये बात साफ है। वो तुम्हारा दुश्मन है, हमारा नहीं। मेरा दुश्मन मेरे परिवार का दोस्त नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा प्यार तो हो सकता है। भाई, संभाल के बात कीजिए। अगर नहीं तो क्या करोगे? बस करो। क्या तुम मेरे सामने लड़ाई करोगे? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया? यही वजह है, यही। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों आपस में लड़ाई करो। तुम उस लड़की को नहीं छोड़ते, इसीलिए हम इस मुसीबत में हैं। प्लीज, अब दोबारा मत शुरू हो जाइए। इसे खत्म करो केमाल। जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे तुम खुश नहीं रह सकते। तुम खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर दोगे। मैं आ गया हूँ पापा, मैं आ गया हूँ भैया। मैं अपनी माँ से मिलने जरूर लौटूंगा।
आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हारी माँ के घर में इतनी आसानी से आखिर घुस कैसे गया? क्योंकि ये शायद उसकी भी माँ है, इसीलिए। आज के बाद कोई भी इंसान इस घर के 500 मीटर के अंतर में नहीं दिखेगा। दिखता नहीं, वो आपको भी पापा कह रही है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है, पर तुम तो हकीकत जानते हो ना। हाँ, ये कहानी है। लेकिन उस दिन जो घर में घुस आया था वो सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि ब्लैकमेलर भी है, और आपका बेटा भी। ये तो आपके लिए अच्छा हुआ पापा, जिसे आप मारना चाहते थे उसकी वजह से मेरी माँ मेरी दुश्मन हो गई है। या शायद वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैं इस घर का इकलौता चिराग माना चाहता हूँ, समझ गए? यानी कुल मिलाकर वो मुझसे नाराज है। क्या पता उसने ऐसा क्या किया है कि वो आज तक मेरे सामने नहीं आया है पापा। तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक यही मानना पड़ेगा। और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तब तुम क्या करोगे? आप बताइए मैं क्या करूंगा, बताइए ना। क्या आप हमारी डील भूल गए? जब हम ब्लैकमेलर और मेरे भाई को ढूंढ लेंगे तो हम क्या करेंगे पापा? नहीं नहीं नहीं, हम उस ब्लैकमेलर को ढूंढ लेंगे और जल्द ही उसे फिर खत्म भी कर देंगे। तुम उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। और वो सच में मेरा भाई हुआ तो? अगर वो मेरा भाई हुआ तो मैं उसे तबाह कर दूंगा और आप उसका स्वागत करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। इतने सालों के बाद जब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारा एक भाई है और फिर भी तुम बस उसे बर्बाद करने की बातें कर रहे हो। वो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। वो मुझे पिछले 5 सालों से धमकी दे रहा है। वही है जिसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे रातों रात तबाह कर सके। वो मेरा भाई है इसलिए मैं उसे माफ तो नहीं कर सकता, बल्कि अब इस घर के एक नहीं दो चिराग होंगे। तो आपके हिसाब से मैं उसे मारूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा? तुमने सच में मेरे बेटे को जन्म दिया था? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो जाएगी क्योंकि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। कहाँ जाने वाले हो डियर? किसी ऐसी जगह जहां यहां से ज्यादा एक्साइटमेंट हो, और हम जाएंगे तो 2 लेकिन आएंगे 3। तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग? खाना मजे से खाइए, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। उसे अपना सामान जल्दी से पैक करना है, लेकिन बहुत सामान मत लेना, हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी ऑफिस से। मिस आसू, निहान के लौटने की मुबारकबाद मिस्टर एमिर। मैं भी आपके लिए खुश हूँ। लेकिन हम रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि अभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं होगा, घबराओ मत, निहान इतनी आसानी से कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं आपकी जगह होती तो इतनी श्योर कभी नहीं हो सकती थी मिस्टर एमिर। हर कोई मेरे इस एटीट्यूड के बारे में जानता है। तो मिस्टर आमिर का ये एटीट्यूड निहान ने कब मंजूर किया? उसने मंजूर कब नहीं किया? निहान घर पर है और वो अपने प्यारे से पति के साथ है। अभी, सिर्फ अभी। लेकिन कल क्या होगा मिस्टर आमिर? निहान ने अगर फिर से ऐसा किया तो उसे कैसे रोकेंगे आप? मेरे पास लीगल बॉन्ड्स हैं। मैं बस एक ही बॉन्ड के बारे में जानती हूँ जो आपके पास नहीं है,
और वो है औलाद। आपकी कोई औलाद नहीं है आमिर। आमिर, ये अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। बैठो। हनीमून पर जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ शर्तें समझानी हैं। तुम क्या कहना चाहते हो आमिर? पहली शर्त, तुम ना ही केमाल से बात करोगी और ना ही उससे मिलोगी। दूसरी शर्त, हनीमून के बाद हम एक ही कमरे में सोएंगे और वो भी एक ही बिस्तर पर, एक पति पत्नी की तरह, जैसा अक्सर एक परिवार में होता है। इससे बेहतर होगा मैं मर जाऊं। तीसरी शर्त, तुम मुझसे प्यार करोगे। आइए, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। किस बात पे? नेहान ने अचानक डिवोर्स ना लेने का फैसला लिया और तुमने देखा, एमर भी नर्वस था। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, वो दोनों तो काफी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, नेहान भी नर्वस थी। जान, अगर तुम ऐसे सवाल करोगी तो मैं जरूर नर्वस हो जाऊंगा। उजान सुनो तो, क्या तुम्हें अपने परिवार की प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है? किसने कहा तुमसे? निहान अब डिवोर्स नहीं ले रही और मैं खुश हूँ, और इस खुशी को मैं अपनी वाइफ के साथ बांट रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल यही सोच रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। उजान, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि नेहान को यहाँ देखकर सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा खुश हो, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या? मैं इन बातों से अब बोर हो चुका हूँ ज़ैनब। आमिर और निहान की बातें करते करते हम अपनी शादी को भूल गए हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ, और तुम हो कि जब देखो उनकी बातें करती रहती हो। हमेशा बात एक ही टॉपिक पर क्यों आ जाती है? मैं हमेशा ऐसा वक्त नहीं चाहती। लेकिन मैंने देखा है तुम अक्सर बहाना करती हो। क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ हो ही रहा है। उफ, उजान मुझे फोर्स मत करो, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा तुमने? तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? अरे उजान, अगर लोगों ने हमें ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हम कभी एक साथ पति पत्नी की तरह रह ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ, और तुम मेरा बिल्कुल इंतजार मत करना।
एमिर? तुम जब से इस घर में आई हो बहुत नुकसान करती रहती हो ज़ैनब। सॉरी, मैं बस देख रही थी। तो मत देखो। तुम्हारी बीवी लौट आई है तो तुम्हारा एटीट्यूड भी बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है, समझे तुम? मैं जहाँ था वहीं हूँ और मैं क्लियर हूँ। मैं निहान से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। लेकिन निहान तुमसे प्यार नहीं करती और ये बात तुम्हें नाराज करती है। हाँ, निहान को मजबूरी तुम्हारे साथ रहना पड़ा, वरना तुम क्या करते? तुम्हें बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हें इसका क्या करना चाहिए। मुझे कुछ दिन तक मिलना मत ज़ैनब। आज से हर दिन मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहना पसंद करूंगा। अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? इंतजार कर रहा था। केमाल और निहान की उम्मीद टूट चुकी है। उन्हें पता चल गया कि ओजान ही असली कातिल है। क्या फर्क पड़ता है? केमाल मेरे सामने तड़प रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत देर हो गई है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। अंकल, मैं ऐसा नहीं चाहता था। केमाल को इस्तांबुल भेजने से पहले आप जानते थे ना कि वो निहान से प्यार करता है? आपको ये पहले से पता था अंकल? बिल्कुल नहीं। मैं जब भी आपसे ये सवाल पूछती हूँ आप एक ही जवाब देते हैं। मुझे अब आप पर यकीन नहीं रहा अंकल। एनर्जी फील्ड के लिए टेंडर होने वाला है, बाद में डील होगी। ये डील अगले हफ्ते इस्तांबुल में होगी। मुझे लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे कमाल, और तुम्हें इस आदमी के साथ डील करनी है। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाराज होना बहुत लाजमी है आसू। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं केमाल को यहाँ कभी भी नहीं भेजती। मैं भले ही आपके खिलाफ हो जाती, उनके प्यार को देखने से तो बेहतर मेरे लिए मौत है। ठीक है।
मेरे पास मत आओ, वहीं खड़े रहो, प्लीज वहीं रहो। तो तुम्हारा दर्द भी नहीं ले सकती। ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो। मैंने तुम्हें आने से मना किया था, तुम क्यों आई निहान? जो हो रहा है मैं उसे डील नहीं कर सकती। हम कितने करीब थे, सच में सब कुछ कितनी जल्दी बर्बाद हो गया। लेकिन हमें अलग करने की वजह अभी तक बदली नहीं है निहान। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। केमाल, जो कुछ भी हुआ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम भागने के प्लान्स बना रहे थे, लेकिन अब मैं ये नहीं मान सकती कि सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है केमाल। किसने कहा सब खत्म हो गया? किसने कहा कि मैं हार मान लूंगा? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? तुम्हें लगा मैं अमीर की बातों में आके दूर हो जाऊंगा? वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तुम्हें लगता है मैं सब जानने के बाद चुप बैठूंगा? मैं तुम्हारे लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उससे आजादी दिला के रहूंगा। मैं उस पल के लिए जी रही हूं जब मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। वो मुझे हासिल नहीं कर पाया और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर अच्छा लगता है। फोटो ले रहा है, अचानक मत देखो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। रुको 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 रुको, कहां भाग रहे हो? कहां भाग रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताओ? क्या कर रहे थे तुम? बताओ मुझे। मुझे जाने दीजिए। लाओ कैमरा। तो अरे नहीं, ये मुझे दीजिए। दूर हटो, मेरा कैमरा मुझे दो। तुम आखिर कर क्या रहे थे? किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना गलत बात है। तुम ऐसे फोटो नहीं ले सकते। आप भी ऐसा नहीं कर सकते। कैमरा मुझे दो। कैमरा चाहिए? ये लो, रखो अपने पास। और कार्ड? ये लो, इतने में नया कार्ड आ जाएगा। तुम एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहे हो। तुम जो कहानी सोच रहे हो ये वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है, लेकिन जब मैं होटल वाली तस्वीर पब्लिश करूंगा तब पूरी कहानी पता चल जाएगी। Thank you.
उस लड़के के पास हमारी और भी फोटोज हैं। अब हम क्या करेंगे? हम सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। लोग जैसा सोचते हैं हमने वैसा कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हूँ, हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है निहान, मैंने कहा था हमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए। कब से कह रहा हूँ तुमसे, मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया है और ये खेल अभी बाकी है और मैं इसमें हारूंगा नहीं। मैं तुम्हें अमीर के कैद से आजाद करवा के रहूंगा, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशंस नहीं खड़ी करनी चाहिए जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। हमें दूर रहना होगा, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इसमें नुकसान सिर्फ हम दोनों का ही होगा। फिर से ये ब्रेकअप स्पीच शुरू हो जाएगी। हमें इसकी आदत हो चुकी है कि नहीं? ना हम अलग हो पाते हैं ना हम एक साथ रह पाते हैं। हमारा ब्रेकअप बहुत जरूरी है, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा निहान। नहीं, जिद करके कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे सामने रहोगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकती मैं। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकती हूँ लेकिन तुमसे बात नहीं कर सकती। मतलब तुम चाहते हो मैं जीते जी मर जाऊं? देखो, शर्मिंदा होकर जीने से तो ये बेहतर है ना। तुम मेरा इंतजार करो और मैं तुम्हारा करूंगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, मैं इसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। असली गोखान जानदम्बस नाम का रिपोर्टर कहां काम करता है और किसके लिए काम करता है पता लगाओ। चलती है। वेलकम मिस्टर आमिर। मिस्टर तूफान आए हैं। वो आपका पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं सर। तुम्हारे चेहरे पर यह देखना अच्छा नहीं लगता तूफान, और ना ही मुझ पर जुल्म हुआ है यह शक्ल ठीक लगती है। तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया है, मुझे लगता है तुम्हें सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर लेना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो कम से कम तुम अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिस्टर अमर? मैं अपने वर्कर्स को सड़क से उठाकर उन्हें पनाह देता हूँ, लेकिन उन्हें इसकी कद्र नहीं है। आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बताओ तुम काम पर क्यों नहीं आए तूफान? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए मिस्टर अमर। क्या ये पापा की वजह से है? नहीं, आपकी वजह से ही है। मैंने अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, फिर भी आपको मुझ पर हमेशा शक रहता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा लेकिन फिर भी आपने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी सर। लेकिन तुम मुझे परेशान लग रहे थे तूफान, और कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे, तो इसीलिए तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम पर शक होने लगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको मेरे पर शक हो। अब ये नाराजगी बहुत हो चुकी तूफान, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने काम पर लौट जाओ। मैं नहीं लौटूंगा मिस्टर अमीर, मैं नहीं लौटूंगा। आपके पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे बड़ा करकर नौकरी दी, लेकिन मैं आपके लिए कभी भी एक अच्छा वर्कर नहीं बन पाया, कभी भी नहीं। मैं आपके पास तभी लौटूंगा जब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगा सर। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि तुम बेगुनाह हो। आप बस कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझे और अपने काम को रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आपने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने किया है। आप बस गलती छिपा रहे हैं मिस्टर अमीर, और कुछ भी नहीं। देखिए सब क्लियर है, आपने मुझ पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है सर।
लेकिन मेरे वफादार होने के बावजूद आपने मुझे धोखा दिया सर। काश तुम मेरे भाई होते तूफान। हाँ मैं आपका भाई नहीं हूं, लेकिन मैं भाई की तरह वफादार जरूर था, पर इस वफादारी की मुझे सजा मिली। गुड बाय सर। मिस्टर केमाल, वो सन बास की न्यूज़पेपर में काम करता है, उसका नाम है गोखान। एक काम करो, उनके एडिटर को फोन लगाओ जल्दी। ठीक है सर। एस्ली, क्या हुआ? कुछ चाहिए था केमाल को? वो सनबास की न्यूज़पेपर के एडिटर से बात करना चाहते हैं अर्जेंटली। क्यों? शायद जर्नलिस्ट गोखान के बारे में। बोलो, ये जर्नलिस्ट गोखान कौन है और केमाल का उससे क्या लेना देना है? मैं पता लगा कर तुम्हें बताता हूँ। तुमने आमिर के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं, वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब मैं आसानी से फोकस कर पाऊंगा। और ये आया मेरा होशियार जासूस। अब जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। क्या तुम तूफान के फोन रिकॉर्ड्स निकाल पाए? मैंने आपको मेल किया है, आज एक दिलचस्प फोन आया था और मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। तुम ये कर सकते हो? मैं मिस्टर एमिर को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें धोखा नहीं देना, ये तो बस एक्सचेंज है, किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम्हारा बॉस गया समझो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो चिंगलकोए के मकान नंबर 123 गली नंबर 54 में आ जाना। तुम्हारे बॉस की कुछ दिलचस्प चीजें हैं। 123rd स्ट्रीट नंबर 54। गुड बाय मिस्टर आमिर, वापस आइएगा। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली? वो निकल चुके हैं। बढ़िया, जैसा कि मैंने कहा तुम एग्जैक्ट उसी टाइम पर उन्हें फोन करोगे। बहुत बढ़िया तूफान। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया सूप लेके आया हूं। अफसाने जबरदस्त सूप बनाती है। मुझे नहीं पीना है। अरे एक बार पी के तो देखो, ये लो। अरे मुझे नहीं चाहिए उजान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मैं अब तक इस घर का हिस्सा नहीं बन पाई। जान, ये सुबह सुबह कौन सी बात लेके बैठ गई तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। ठीक है तो फिर कहो मुझसे। उजान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे लगता है मुझे भी फैमिली सीक्रेट्स जाननी चाहिए। देखो जैनब, जिसे तुम सीक्रेट समझ रही हो वो इस परिवार की कहानी है, और देखो इन सब बातों की वजह से हमारे रिश्ते पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि चलो यूरोप चलते एक वेकेशन पर, तुम्हें बहुत मजा आएगा यहाँ से और इन परेशानियों से कोसों दूर। उजान देखो तुम फिर से यही कर रहे हो, तुम बस भाग रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सूप का क्या करूँ? मुझे ठीक नहीं लग रहा है उजान, मैं जब भी बेचैन होती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है। चले जाओ वरना मैं तुम पर उल्टी कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है ना, मैं कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। उजान प्लीज चले जाओ। और अगर मैं ना जाऊं तो? बल्कि तुम्हारे अंदर इस प्यार के दर्द को और बढ़ा दूं, लेकिन तुम मुझे करीब आने दो तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उजान सुनो तो, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो और घर घर खेलना चाहते हो, बिल्कुल नहीं हो सकता ये बात जान लो। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी,
ऐसा लगता है हम 60 साल के पुराने कपल हैं जिनमें कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे साथ तो मजाक में भी फैमिली प्लानिंग करना गुनाह है। मूड खराब कर दिया। हेलो सैमा, कहाँ हो तुम? मैं कॉलेज जा रही हूँ ज़ैनब, क्या तुम्हें याद है? कभी तुम भी मेरे साथ कॉलेज आया करती थी? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। चलो देखते हैं तुम क्या कहती हो ज़ैनब। क्या तुम्हें तुम्हारी दोस्त याद है मेल्टम, जो प्रेग्नेंट है? हाँ ज़ैनब। क्या उसने जन्म दिया? अरे अभी तो नहीं, तुम आगे क्या कहने वाली हो सोच कर ही मुझे चिंता हो रही है ज़ैनब। वो लोग इंतजार में है और बेबी के लिए कपड़े बुन रहे हैं। मजाक मत कर सैमा, मेरी बात तो सुन। जैसे कि आपने सुना कि सब खत्म हो चुका है और उस रिपोर्टर ने मुसीबत और बढ़ा दी है। उफ, केमाल मुझसे दूर हो गया है लैला। हाँ, केमाल उस बात पर बहुत सेंसिटिव है। वो इस बात से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हनी तुम एक से बहुत प्यार करती हो और दूसरे से तुमने शादी की है, मेरा मतलब है इसमें केमाल क्या कर सकता है? उसे अपने लिमिट्स में रहना जरूरी है। लेकिन आप तो ये सब बातें जानती है ना? मैं जानती हूं, लेकिन केमाल बिल्कुल सही है और ये मैटर तो मेरे लिए भी जरूरी है। लैला, आपसे सच कहूं तो हम बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे, सच में। क्या ये मैं नहीं जानती? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। परेशान तो मैं अब भी हूँ, चैन से सांस तक नहीं ले पाती, क्योंकि केमाल मुझसे दूर हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप मेरा एक काम करें, प्लीज़। क्या? उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उसे सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है? तो इसमें वो है जो मैं चाहती हूँ, जो केमाल चाहता है। ओहो निहान, आखिर ये है क्या? लैला, क्या ये आप केमाल को दे सकती हैं? आप जानती हैं कि आज कंपनी में मीटिंग है और आप भी जाएंगी वहाँ। निहान, तुम करना क्या चाहती हो? तुम जानती हो ना कि फोन है, उसे फोन कर दो। ये सब क्या है? क्या तुम 19 सेंचुरी की तरह लेटर्स भेजोगी? चलो मैं एक काम करती हूँ, गुकसू में तुम्हारे लिए एक नाव भी किराए पर ले लेती हूँ। लेकिन मैं अगर केमाल को फोन करूंगी तो वो उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन वो तो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब तुम चिट्ठी लिखोगी तब तुम्हें उसका जवाब भी एक हफ्ते बाद मिलेगा, चलेगा ना? इग्नोर ना होने का क्या रास्ता चुना है? कांग्रेचुलेशंस, बहुत सही रास्ता चुना। आखिर तुम किसकी बेटी हो? हाँ, भूल गई हो क्या उसे? प्लीज। ठीक है, अच्छा तो मुझे इसे कब देना है ये भी तुम बता ही दो तो सही रहेगा। आज। आज कब देना है तो ये भी बता दो। आज शाम 6 बजे। ओहो ठीक है, उफ, दे दूंगी। वाओ, आप कितनी अच्छी हैं लैला। वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास निहान और केमाल की फोटोज हैं। और वो एडिटर यहाँ पर आया हुआ है। तुम क्या करने वाली हो? वही सोच रही हूँ। मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा, आपका एक जर्नलिस्ट है, गोखान जानदम बस, है ना? जी। वो एक झूठी खबर बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे और मिसेस निहान कोसू के बीच। अगर वो न्यूज पब्लिश हो गई तो मिसेस निहान कोसू की इमेज के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा मत कहिए मिस्टर केमाल, अगर आप निहान कोसू गुलू हैं तो आपके हर कदम पर न्यूज बनेगी और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको इस न्यूज के कितने पैसे मिलने वाले हैं बताइए? क्या आप जानते हैं मैं NYZ ग्रुप से जुड़ा हूं, जो आपके न्यूज़पेपर को आपके शुरुआत से ही फाइनेंशियली सपोर्ट देता हुआ आया है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बस वार्निंग दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरे और निहान कोसगो के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये सब मुझसे जानने के बाद भी आप स्टोरी पब्लिश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूं आप बहुत समझदार इंसान हैं, इसलिए जो मैंने कहा हूं वो आप समझ के होंगे।
ठीक है तो फिर आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्टोरी पब्लिश नहीं करेंगे। यही सुनने की उम्मीद थी मुझे। क्या आप उस जर्नलिस्ट की खींची हुई बाकी की फोटोज दे सकते हैं? ये लीजिए। तो हमारा हिसाब अब चुकता हो गया। मिस्टर गोखान, आपके एडिटर ने अभी अभी आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, लेकिन मैं आपके साथ डील करना चाहती हूँ। कहिए क्या ख्याल है आपका? आप मिस्टर एमर, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं सर? ये बहुत खतरनाक है, आपको यहां नहीं होना चाहिए। ये घर तो खाली है। तो ये तुम हो? तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अब वो नहीं बचेगा। अब ऐसा मत कहना कि हम दोनों का खून एक ही है। उसके दिमाग और मजाक से तो लगता है कि वो यही है। क्या वो आपका भाई था सर? बताओ तूफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे किसी का फोन आया था और मुझे आपसे धोखा करने के लिए कह रहा था। और तुमने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा भी कहा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो वो आपको मार डालेगा। तो क्या इसी वजह से तुम वापस काम पर नहीं आए, ताकि तुम मुझे धोखा ना दो और दूर भी रहो? आप नहीं समझेंगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बेगुनाह हो। मैं समझा नहीं सर। तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे, पर कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो और अपने काम पर लौट आओ। तो कैसी हो तुम आसू? ठीक हूँ। मैं बस अभी मीटिंग के लिए जा रहा था। ऑफिस की मीटिंग में मैं भी साथ चलूं? अगर तुम चाहो तो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वहां से तुरंत निकल जाऊंगा। ये क्या है? छोटा सा एक सरप्राइज है। मैं अब ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आना चाहती हूँ, प्लीज साथ चलूं। आसू तुम बॉस हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। ओ, ये बात है, लेकिन मुझे थोड़ा चेंज अच्छा लगेगा, चलो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ, और तुम मेरी फीलिंग्स को जानते हो,
मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस वजह से अपना दोस्त खो दूं। तुम मेरे परिवार की तरह हो और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सचमुच। कैसी हैं आप मिसेस ब्यूटीफुल? मैं ठीक हूँ सर। आज एनुअल मीटिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक इंस्पेक्टर आने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे? मैं उन पर कलोन छिड़कूंगा और काम खत्म। आप बहुत मजाक किया है सर। सब लोग बहुत नर्वस हैं। उम्मीद है इंस्पेक्टर को सब ठीक लगे। आज का दिन बहुत डिफिकल्ट है। चलिए मैं ये फाइल्स रख कर आती हूँ। हाँ ठीक है, चिंता मत करो। क्या तुम पेलिन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? हाँ, तो क्या हुआ? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ? और अगर फर्क पड़ता भी है तो तुम्हें मैं बता दूं कि वो मेरी बहन जैसी है, उम्र में बहुत छोटी है मुझसे। तुम उसके लिए जहर मत उगलो, समझे तुम बानू? जहर मत उगलो से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये सब झूठ है? तुम तो ऐसे ही हो ना, मतलब ये और चालाक। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तारिक। तुम्हें शर्म के बारे में क्या पता? पेलिन के बदले तो तुम अपने आप को देखो, भूल गई तुमने मेरे साथ क्या किया? वैसे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं, तुम तो मिस्टर एमिर की। शट अप। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। वेलकम, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मिस्टर उमेर। हेलो 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 हेलो। बिल्कुल सही वक्त पर आए, इनसे मिलिए। ये हैं मिस्टर केमाल, पावर स्टेशन के मैनेजर। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये है मिस आसू, आलाकान ग्रुप्स की सीईओ। ये है मिसेस लैला, ये कॉसगुल ग्रुप की बोर्ड मेंबर हैं। हेलो हेलो। मिसेस पेलिन, क्या आप सबके लिए इनकी कॉपीज लेकर आ सकती हैं प्लीज? जी हाँ मिस्टर केमाल। ये क्या हो रहा है मिस्टर केमाल? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आइए बैठिए, बैठिए सब, आइए बैठिए। मिस्टर आमिर, आप शुरू कीजिए। इस साल की एनुअल रिपोर्ट चेक करने से पहले हम पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, जो हमारा इस साल का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट्स पर हम नजर डालेंगे, ताकि मिस आसू और मिस्टर कैमाल को यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ना पड़े। देखिए मुझे कोई काम नहीं है, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं। बड़े मजाकिया हैं। मैं बिजनेस के दौरान मजाक नहीं करता, सिर्फ सच कहता हूँ। मिस्टर केमाल, हमें मिस्टर ओमेर के सामने अच्छा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपसे पार्टनरशिप यानी दोस्ती से दुश्मनी निभाने जैसा है। और इससे आपका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बस सक्सेस की बात कर रहा हूँ। मिस्टर केमल, हमारे पावर प्लांट वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। जरूर मैं सब बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ। और वो क्या है? इस पावर प्लांट में एक पुरानी कोयले की खान है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे हिसाब से इससे हमें बहुत फायदा होगा।
थैंक्स मिस आसू। यू आर वेलकम। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, कंग्रेचुलेशंस। क्या आपको ये पसंद नहीं आया मिस्टर गालिब? ऐसी बात नहीं है, हम मिस्टर कैमाल पर पूरा भरोसा करते हैं। इस टेबल पर मौजूद सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपने कब डिसाइड किया, हमें तो ऐसे सरप्राइजेस की आदत हो चुकी है। तो मिस्टर केमाल, हम भी जानना चाहेंगे कि असल में खान है कहाँ। हम जाकर देखेंगे। क्या आप मेरे साथ एग्जामिनेशन के लिए चलना पसंद नहीं करेंगे? हम जरूर साथ चलेंगे, आपके साथ अंडरग्राउंड एडवेंचर एक्साइटिंग रहेगा। सच कहूं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मिस्टर ओमेर, मिस्टर एमिर के विचारों को मद्देनजर रखते हुए मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करके आपके पास जल्द से जल्द भेज दूंगा, ठीक है? मुझसे तो इंतजार नहीं होता, अगर आप आज कहें तो आज ही चल सकते हैं। हमेशा की तरह जब भी सही वक्त आएगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा मिस्टर एमिर।